हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। इस कर दिया था तो टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं खबरों में, आइए समझते हैं आशीष से। आशीष हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज मंडे के टॉप 10 स्क्रीन पर रख देता हूं। सबसे पहला दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज अडाप रखिएगा, आज बाजार बंद होने के बाद यह कंपनी अपने दूसरी तिमाही के रिजल्ट घोषित करेगी। ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है HCL टेक्नोलॉजीज, 6 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, तो बट ऑब्वियस है पिछली बार 5:30 बजे शाम को आया था। बाजार बंद होने के बाद ही HCL टेक भी आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित कर रहा होगा। नतीजों से पहले विप्रो दिखाइएगा स्क्रीन पे। इस थर्सडे को बोर्ड मीट थी रिजल्ट्स पे, वीकेंड पे अपडेट आया है कि रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस डोल आउट पे भी विप्रो का बोर्ड विचार करने जा रहा है। रिजल्ट्स आ गए थे वीकेंड पे एवेन्यू सुपरमार्ट के, वो चौथे पायदान पे रखा है मैंने। Q2 के रिजल्ट्स टॉप लाइन पता थी क्योंकि Q2 अपडेट्स ऑलरेडी आ चुके थे, ऑपरेशनली वीक परफॉर्मेंस है, देखते हैं रिएक्शन कैसा रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL, इसे अपग्रेड कर दिया गया है, महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। सूला विन्यार्ड्स के Q2 के बिजनेस अपडेट्स आए, नतीजे नहीं पर अपडेट्स कमजोर हैं, Q2 में साल दर साल आए 1.25% के आसपास गिरी। सुदर्शन केमिकल्स फ्राइडे को बढ़िया न्यूज आया था और अब अपडेट्स ये हैं कि परसों यानी कि 16 अक्टूबर को कंपनी की बोर्ड मीट है QIP के थ्रू फंड रेजिंग पर। लार्सन एंड टूब्रो पे JP Morgan की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, इनिशिएट किया है ओवरवेट का कॉल 4,360 के लक्ष्य, 3,500 पे स्टॉक खड़ा हुआ है। कंटेनर कॉर्पोरेशन रडार पे रखिएगा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के चलते, अंडरवेट का कॉल है, 774 के टारगेट्स हैं, ऑलमोस्ट 900 के आसपास ये स्टॉक है इस समय। और 3 स्टॉक्स जो FNO कर्ब से वायदा बैन से जो बाहर आए वो रडार पर रख लीजिएगा, बंधन बैंक, बिरला सॉफ्ट और टाटा केमिकल।